मैं आपके लिए प्रोटीन से भरपूर एक सैलेड बनाऊंगा। वेजिटेरियंस के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी रेसिपी है, क्विक एंड इजी सैलेड की रेसिपी है फॉर ऑल दोज पीपल जो जिम डाइट करते हैं और उनको वेजिटेरियन फॉर्म में प्रोटीन चाहिए होता है। आज की रेसिपी बिल्कुल उनके लिए है और बाकी के लोगों के लिए भी। मैं आपके लिए बनाऊंगा आज ग्रिल्ड पनीर सैलेड। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने पनीर के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं जिनको मैंने हाफ इंच थिकनेस में काट लिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कोट करेंगे कुछ मसालों के साथ। सबसे पहले सीजन करते हैं, नमक डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसके अंदर इसे और भी चटपटा फ्लेवर देने के लिए धनिए पुदीने की चटनी डालेंगे और ज़रा सा बिल्कुल तेल डालेंगे और अच्छे से पनीर के पीसीस के साथ इन्हें कोट कर लेंगे। आप चाहो तो पनीर को 15 से 20 मिनट के लिए बाहर ही मैरिनेट करके भी रख सकते हो, बट पनीर को इतनी मैरिनेशन की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए मैं इसे बिना मैरिनेशन के ही बनाऊंगा। फौरन जैसे ही ये जो सारे जो स्पाइसेस हैं, चटनी है, ये कोट हो जाएगी, मैं इसको ग्रिल पैन के अंदर पनीर के पीसीस को ग्रिल करूंगा, क्योंकि ये सैलेड का नाम है ग्रिल्ड पनीर सैलेड। अब ग्रिल पैन को पहले मीडियम हॉट गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं तेल अच्छे से स्प्रेड कर लूँगा और तेल मैं बहुत कम यूज़ करूँगा क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है, सैलेड है, इसलिए इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन होगा तो तेल की वैसे ही बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे पनीर के पीसेस को हम रख देंगे ग्रिल पैन के अंदर। मेक श्योर आप ओवर क्राउडिंग मत करना और 2 मिनट के लिए आप पलट के ऑन ईच साइड, जब तक अच्छे गोल्डन कलर के ग्रिल मार्क्स नहीं आ जाते, पनीर के पीसेस को हम अच्छा सुनहरा यहाँ पे ग्रिल कर देंगे। इसी तरीके से सारे पनीर के पीसेस को ग्रिल करके मैं पहले एक प्लेट के अंदर निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट हम सैलेड के लिए क्विक एक ड्रेसिंग बनाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा जार लिया है, इसमें सबसे पहले मैं डालूंगा ताज़ा नींबू का रस यानी कि लेमन जूस, ग्रीक योगर्ट या फिर गाढ़े वाली दही, आप चाहो तो हंकड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा धनिया पुदीने की चटनी, सेम चटनी जिससे मैंने पनीर के पीसेस को मैरिनेट किया था, और उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम जार को बंद करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और अच्छे से शेक करेंगे ताकि ये ऑयल जो है दही के साथ और लेमन जूस के साथ, चटनी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। बहुत अच्छे से जार को शेक करना है। और ये जो हमारी जो क्विक सैलेड के लिए जो ड्रेसिंग है, या फिर आप इसे सैलेड के लिए सॉस भी बोल सकते हो, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। नाउ फॉर सैलेड, एक बोल के अंदर सबसे पहले ठंडे लेटस लीव्स में बिछा लूँगा। उसके ऊपर यहाँ पे क्यूक्यूम्बर को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा पील करके रखा है, तो ये खीरे को, ये जो पील्स हैं, इसको ठंडे पानी में डुबो के रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे सैलेड बनानी हो, तुरंत इसको मैं रोल करके इस तरीके से छोटे छोटे रोजलेट्स, ये रोजेस बना दूंगा और ये अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बट यू कैन जस्ट यूज़ प्लेन क्यूक्यूम्बर स्लाइसिस। और इसके अंदर जाएगा यहाँ पे ग्रिल पनीर जो करके रखा था, और जो अमेजिंग जो जिंगी जो ड्रेसिंग बनाई थी सैलेड की, वो मैं अच्छे से ड्रिजल कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास है पिंक वाली रेडिश, सैलेड के लिए यूज़ करते हैं, और इसको मैंने पतला पतला यहाँ पे गोल गोल स्लाइसेस में काट के ठंडे पानी में डुबो के रखा है ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए, ये भी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है चेरी टमेटोज, और उसके अलावा फ्रेशनेस के लिए यहाँ पे मैं मिंट यूज़ करूँगा, थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, और उसके अलावा थोड़े से ओमेगा 3 इसके अंदर ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स को मैंने अलसी के बीज को रोस्ट करके रखा हुआ है, तो ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा एंड द सैलेड इज़ रेडी।
सो जरूर ट्राई करना घर पे ये हेल्दी और वेजिटेरियन प्रोटीन सैलेड, ग्रिल्ड पनीर सैलेड एट होम। मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और उसके साथ साथ मेरे चैनल कपिल का किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। उसके साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ यूट्यूब पे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं मैं आपको और भी इसी तरीके की मजेदार रेसिपीज के साथ। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।